बुधवार को शासकीय मार्तंडी स्कूल के खेल मैदान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर राज्य स्तरीय खेल का किया गया आयोजन। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे मौजूद। शहर के मार्तंडी स्कूल का मैदान प्रदेश भर के महिला पुरुष खिलाड़ियों से सुसज्जित रहा। बुधवार से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय खेल की शुरुआत हो गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल मौजूद रहे। प्रदेश भर से 10 संभागों से महिला और पुरुष खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में जहां सभी संभाग के खिलाड़ी खेल का प्रदर्शन करेंगे, वहीं इसमें खेल प्रेमियों को अच्छा खेल देखने का मौका मिलेगा। मैं गोल्ड मेडल मारा हूँ, मुझे प्रमाण पत्र मिला आज खेल दिवस के दिन रीवा संभाग। नाम प्रिया बंसल है, मैं स्क्वायर मार्शल आर्ट में नेशनल में सेकंड पोजीशन आई हूँ, इसलिए आज 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस में मुझे ये सर्टिफिकेट दिया गया। आज का बहुत ही अद्भुत संयोग है, आज राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा दिवस भी है, आज हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का जन्मदिन भी है और आज रीवा में राज्य स्तरीय बेसबॉल टेनिस बेसबॉल और टेनिस वॉलीबॉल और बेसबॉल का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ भी हो रहा है। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। आज मैं जब बच्चों को मार्च पास करते हुए देख रहा था किनारे आ जाए तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ गए, क्योंकि मैं भी जब स्कूल में पढ़ता था सातवीं में आठवीं में नौवीं में तो राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रीवा संभाग से चुन के जाता था। खो खो खेलने के लिए मैं एक बार सीहोर गया, एक बार दतिया गया, एक बार मंदसौर गया और मैं भी देखने में बहुत छोटा था, इसी प्रकार से जैसे ये छोटे छोटे बच्चे मार्च पास करते थे और जहाँ भी जाता था लोग देख के बड़े आश्चर्य से देखते थे कि कितनी दूर से ये छोटा बच्चा आया हुआ है खो खो खेलने के लिए। और वही दृश्य जब मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए। बच्चों के लिए जितना पढ़ना जरूरी है उतना खेलना भी जरूरी है।